मूवी की शुरुआत में एक समुद्र में कई जहाजों को दिखाया जाता है और इनमें से एक जहाज में दो बच्चे होते हैं जो दूसरे जहाज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वह जहाज कितना बड़ा और कितना अच्छा है। तभी उनके पापा आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, हमारे जहाज ने कई सारी मुश्किलों का सामना किया है। इसके बाद वह अपने बच्चों को अलादीन की कहानी सुनाने लगता है जिसमें अरेबियन सिटी ऑफ अग्रवा का वजीर होता है। वो एक गुफा के सामने खड़ा होता है, तभी गुफा में से आवाज आती है कि शिप डायमंड इन द केव, मतलब कि यही आदमी इस गुफा में एंटर कर सकता है। इसके बाद अलादीन को दिखाया जाता है जो एक लड़की से बात कर रहा होता है और अलादीन का एक बंदर भी होता है जिसका नाम होता है अब्बू। यहाँ पर अब्बू उस लड़की का नेकलेस चुरा लेता है। दोस्तों दरअसल ये दोनों अग्रवा में चोर होते हैं। अलादीन एक दुकान में जाता है, वहाँ पर वो नेकलेस के बदले खजूर लेता है। तभी उसे कुछ भूखे बच्चे दिख जाते हैं जिसे भी वे खजूर देता है। अलादीन दिल का अच्छा लड़का होता है। फिर शहर में प्रिंसेस जैस्मिन को दिखाया जाता है जो भेस बदलकर घूम रही होती है। तभी वह दो बच्चों को देखती है जो भूखे होते हैं और फिर जैस्मिन एक दुकान से ब्रेड लेकर उन दोनों बच्चों को दे देती है। दुकानदार पैसे मांगने लगता है लेकिन जैस्मिन के पास पैसे नहीं होते हैं। दरअसल उस दुकानदार को ये पता नहीं होता कि ये उनकी प्रिंसेस है। अलादीन आता है जो प्रिंसेस को लेकर अपने साथ अपने घर ले आता है। अलादीन का घर टूटा फूटा होता है लेकिन यहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है और साथ ही प्रिंसेस यहाँ से अपने पैलेस को भी देख सकती है। जैस्मिन अलादीन को नहीं बताती कि वो प्रिंसेस है और अलादीन को अपना नाम डालिया बताती है। अलादीन के पास जैस्मिन का ब्रेसलेट होता है जिसकी वजह से वे समझ जाता है कि ये महल से आई है, क्योंकि ऐसे ब्रेसलेट महल के लोग ही पहनते हैं। लेकिन जैस्मिन अलादीन को मना कर देती है कि वे कोई प्रिंसेस नहीं है, वे प्रिंसेस के लिए काम करती है। तभी वे देखती है कि महल के पास एक शिप आ रही है। वो अलादीन को कहती है कि अब उसे जाना होगा। तभी जैस्मिन को पता चलता है कि उसका ब्रेसलेट उसके पास नहीं है। जैस्मिन अलादीन को कहती है कि मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस दे दो, लेकिन अलादीन के पास ब्रेसलेट नहीं होता। तभी जैस्मिन कहती है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम चोर हो, और ये कहकर वो चली जाती है। दोस्तों जैस्मिन का ब्रेसलेट अलादीन के बंदर अबू के पास होता है। जैस्मिन अपने महल पहुंच जाती है, वहां पर उसे एक राजकुमार देखने आया होता है लेकिन जैस्मिन उसे मना कर देती है। यहां का एक वजीर होता है जो सुल्तान को, मतलब कि जैस्मिन के पिता को, कहता है कि हमें हमारी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसीलिए जैस्मिन को उस राजकुमार को मना नहीं करना चाहिए था। तभी दोस्तों वजीर सुल्तान को अपने वश में कर लेता है और एक राज्य पर हमला करने के लिए कहता है। जैस्मिन आ जाती है और वो अपने पिता को मना करती है कि उस राज्य पर हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह मेरी माँ का राज्य है। तभी उसके पिता वजीर के वश से बाहर आ जाते हैं और वो जैस्मिन से कहते हैं कि वे हमला नहीं करेंगे। इधर अलादीन को दिखाया जाता है जो चोरी से महल के अंदर घुस रहा होता है, लेकिन उसको वजीर का पालतू तोता देख लेता है और वह कहता है कि ये डायमंड इन द केव है जो कि उसके अंदर एंटर कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अलादीन प्रिंसेस जैस्मिन का ब्रेसलेट उसे वापस देने आता है और जब वो वापस जाता है तो जैस्मिन को कहता है कि वो अगले दिन फिर आएगा और उसे अपने साथ वर्क पर ले जाएगा। अलादीन बाहर निकला ही होता है तभी उस वजीर के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और वजीर उसे रेगिस्तान में लेकर जाता है जहाँ पर वह उससे कहता है कि तुम एक चोर हो और तुम जिससे मिलकर आए हो वो यहाँ की प्रिंसेस है। मैं भी एक चोर हुआ करता था लेकिन अब मेरी किस्मत बदल गई है और मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ। तुम्हें इतना अमीर बना सकता हूँ कि तुम्हें राजकुमारी के सामने जाने पर गर्व होगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस केव के अंदर जाना होगा जहाँ से तुम्हें एक ऑयल लैंप यानी कि चिराग को लाना है। वहाँ पर कई सारी बेशकीमती चीजें भी होगी लेकिन तुम्हें किसी को भी नहीं छूना है और ना ही साथ में लाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम गुफा में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे और तुम अंदर ही रह जाओगे। अलादीन उसकी बात मान जाता है और वह अपने बंदर अबू के साथ गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर हीरे, सोने और काफी बेशकीमती खजाना भी होता है। यहाँ पर एक जादुई कारपेट चट्टान के नीचे दबा होता है जो इशारों से अलादीन को कहता है कि वो उसे बाहर निकाले। अलादीन उसे बाहर निकाल देता है। अलादीन को चिराग दिख जाता है जो चट्टान पर होता है और फिर वे उसे लाने के लिए अपने मंकी अबू के साथ चढ़ने लगता है। लेकिन तभी अबू को ऊपर एक रेड कोहिनूर दिखता है जिसे वो ले लेता है, जिसकी वजह से फिर गुफा के अंदर से आवाज आने लगती है और लावा निकलने लगता है। लेकिन अलादीन कैसे भी चिराग को लेकर वजीर के पास आ ही जाता है, लेकिन वजीर चिराग को लेकर अलादीन को गुफा के अंदर वापस फेंक देता है। इसी बीच अबू वजीर से चिराग को ले लेता है और इधर नीचे वो जादुई कारपेट अलादीन और उसके बंदर को कुछ भी नहीं होने देता है। अलादीन देखता है कि अबू ने वजीर से चिराग को ले लिया है। वह चिराग थोड़ा गंदा दिखता है इसीलिए अलादीन उसे घिसने लगता है। तभी चिराग में से एक जिन बाहर आता है जो अलादीन को कहता है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी तीन विश मांग सकते हो, मैं उन्हें पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले चिराग को घिसना होगा, उसके बाद आई विश बोलना होगा। तभी अलादीन कहता है कि सबसे पहले हमें इस गुफा से बाहर निकालो, और जिन फिर अलादीन अबू और उस जादुई कारपेट को गुफा से बाहर निकाल देता है। लेकिन अलादीन ना तो चिराग को घिसता है और ना ही आई विश कहता है, जिसकी वजह से उसकी तीन विश बाकी होती है। अलादीन जब जिन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जिन कई हजारों साल से इस चिराग के अंदर बंद था और वे चिराग से हमेशा के लिए तभी बाहर आ सकता है जब कोई और ये विश मांगे कि जिन हमेशा के लिए आजाद हो जाए। अलादीन कहता है कि मैं आखिरी विश यही मांग लूंगा
और तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक राजकुमार बनाना होगा। जिन उसकी बात मान लेता है और उसे राजकुमार बना देता है और उसका एक किंगडम खड़ा कर देता है। और अब अलादीन प्रिंस ऑफ अबाबुआ होता है और साथ ही उसके बंदर अबू को एक हाथी बना देता है। अलादीन अब राजकुमार बन चुका है, तो इसीलिए वह अपनी पूरी शान से राजकुमार से मिलने उसके महल जाता है, जहाँ पर जिन सुल्तान को बताता है कि अबाबुआ के राजकुमार है जिनका नाम अली है। अलादीन पहली बार राजकुमार बना होता है, इसीलिए वह बोलने पर गलतियां करता है। यहाँ पर वजीर भी होता है जो कहता है कि हमने तो पहले इस राज्य का नाम नहीं सुना। सुल्तान और जैस्मिन राजकुमार अली की बातों से इम्प्रेस नहीं होते हैं। इसके बाद सुल्तान राजकुमार को श्याम की दावत के लिए इन्वाइट करता है। दरअसल दोस्तों अब अलादीन पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसकी वजह से उसे कोई भी पहचानता नहीं है। उसे काफी बुरा भी लगता है कि वह राजकुमारी को इम्प्रेस नहीं कर पाया। जिन उससे कहता है कि शाम को तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन और जिन दावत में पहुंच जाते हैं। यहाँ वजीर भी होता है और वजीर अलादीन को वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है। यहाँ पर भी अलादीन जैस्मिन को इम्प्रेस नहीं कर पाता है। म्यूजिक चल जाता है और यहाँ जिन अलादीन से काफी शानदार डांस करवाता है, जिसे सभी इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय जैस्मिन के। जैस्मिन इस पार्टी से चली जाती है। इसके बाद जिन एक लड़के से मिलता है जो जैस्मिन के लिए काम करती है, जिसका नाम डालिया है। उसे जिन अपने साथ वॉक पे चलने के लिए कहता है, क्योंकि जिन को डालिया पसंद आ जाती है। इधर जैस्मिन अपने कमरे में अकेली होती है, तभी अलादीन आ जाता है जो जैस्मिन को अपने साथ घूमने के लिए कहता है। जब जैस्मिन अलादीन के साथ जादुई कारपेट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। जैस्मिन को भी घूमने फिरने का काफी शौक होता है, इसीलिए वो अलादीन के साथ चली जाती है। शहर घूमते घूमते जैस्मिन को ये पता चल जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है। जैस्मिन कहती है कि ये सब क्या है। अलादीन कहता है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है और वह एक दिन शहर में भेष बदल कर घूम रहा था और वो एक प्रिंस है। जैस्मिन मान जाती है क्योंकि वे भी ऐसा ही किया करती थी बाहर घूमने के लिए। घूमने के बाद अलादीन पैलेस में जिन को ये सब बातें बताता है। जिन कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम एक झूठ को पूरी जिंदगी नहीं छुपा सकते, तुम्हें जैस्मिन को सारा सच बताना ही होगा। इधर वजीर का पालतू तोता अलादीन को जादुई कारपेट पर देख लेता है और सारी बातें वजीर को बता देता है। वजीर समझ जाता है कि प्रिंस अली कोई और नहीं बल्कि अलादीन ही है, जिसने उसे गुफा में भेजा था और उसने ये सब चिराग की मदद से किया है। वजीर अलादीन को गिरफ्तार कर लेता है और उससे चिराग के बारे में पूछता है। तभी उसका बंदर अबू चिराग को लेकर जादुई कारपेट पर बैठकर अलादीन के पास जाता है। तभी वे देखता है कि वजीर ने अलादीन को पानी में फेंक दिया है। ये देखकर अबू चिराग को भी पानी में फेंक देता है, जिसे जिन बाहर आ जाता है और वे अलादीन को बाहर निकाल लेता है। जिन अलादीन को कहता है कि अब तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हो गई। वजीर को ऐसा लगता है कि अब अलादीन मर गया है। वो सुल्तान को बताता है कि प्रिंस अली धोखेबाज था और वे यहाँ से भाग गया है। तब अलादीन आ जाता है, जिसने पहले ही वजीर के बारे में जैस्मिन को बता दिया था। जैस्मिन अपने पिता मतलब कि सुल्तान को कहती है कि वजीर झूठा आदमी है जो यहाँ का सुल्तान बनना चाहता है। ये सुनकर जैस्मिन का पिता वजीर को गिरफ्तार करा लेता है। सुल्तान अलादीन को बेटा कहता है और ये शब्द और ये बातें सुनकर जिन को काफी अच्छा लगता है। अलादीन अपने कमरे में जिन को कहता है कि अब उसकी तीसरी विश यह है कि जो ये झूठ है वो हमेशा झूठ बना रहे, इसके बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन ये सुनकर जिन निराश हो जाता है। जिन कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिरी विश में मुझे आजाद कर दोगे, लेकिन अब अलादीन थोड़ा मतलबी हो गया था। यहाँ पर अलादीन जिन की बात का रिप्लाई नहीं देता है, जिसके बाद जिन वापस चिराग के अंदर चला जाता है और अलादीन भी अपने पुराने घर में रहने लगता है, जहाँ से वो पैलेस को देखता है और जैस्मिन को याद करता है। इधर वजीर के तोते को दिखाया जाता है जो चाबियां चुरा कर वजीर को आजाद करा देता है और वह अलादीन के चिराग को चुरा लेता है और जिन को हुक्म देता है कि वह उसे सुल्तान की गद्दी पर बैठा दे। जिन को ऐसा करना ही पड़ता है। और फिर जब ये बात जैस्मिन और सुल्तान को पता चलती है तो वे गुस्से में वजीर के पास आते हैं और अपने सिबेलजार को बोलते हैं कि ये वजीर को पकड़ ले। लेकिन सब पर जिन का जादू चल जाता है और इन्हें अब ऐसा लगता है कि वजीर ही उनका सुल्तान है। इसके बाद जैस्मिन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब जैस्मिन कैद खाने में होती है, तब वे सिबेलजार को ये यकीन दिलाने में कामयाब होती है कि उसके पिता ही असली सुल्तान है, वजीर उनके साथ धोखा कर रहा है और वे प्रजा के हित में कभी भी फैसला नहीं करेगा। सिबेलजार जैस्मिन की बात मान जाता है और उसे आजाद कर देता है और साथ ही अपने साथियों से कहता है कि वे वजीर को गिरफ्तार कर ले। इसी बीच वजीर अपनी दूसरी इच्छा मांगता है। वे कहता है कि उसे सबसे बड़ा जादूगर बना दिया जाए। तब जिन उसे सबसे बड़ा जादूगर बना देता है। सिबेलजार वजीर को पकड़ने आ जाता है, लेकिन वजीर अपने जादू से उसे गायब कर देता है। इधर अलादीन को ये सब पता चल जाता है कि उसका चिराग चोरी हो गया है और फिर वे महल आ जाता है, जहां वो देखता है कि चिराग वजीर ने चुराया था। अलादीन चिराग को लेने वाला होता है, तभी वजीर को पता चल जाता है और वे सबके सामने अलादीन की असली सच्चाई ला देता है कि वो एक चोर है। इसके बाद वजीर अपने जादू से अलादीन को एक बर्फ वाली जगह पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर अलादीन का जादुई कारपेट आ जाता है जो अलादीन को और उसके मंकी अबू को बचा लेता है।
वजीर अब यहाँ का सुल्तान है, इसीलिए वे जैस्मीन से शादी करना चाहता, लेकिन जैस्मीन उसे शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए फिर वे जैस्मीन के पिता और उसके दोस्त डालिया को काफी टॉर्चर करता है, जिस वजह से जैस्मीन को मानना ही पड़ता है। अगले दिन वजीर और जैस्मीन की शादी होने वाली होती है और यहाँ पर जैस्मीन वजीर को शादी के लिए हाँ बोलने वाली होती है। तभी उसे अलादीन उसके जादुई कारपेट पर दिख जाता है। जैस्मीन वजीर से चिराग लेकर नीचे कूद जाती है। तभी अलादीन उसे अपने कारपेट पर पकड़ लेता है और फिर वे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वजीर का तोता इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे वजीर अपने जादू से जायंट तोता बना देता है। अब वजीर सुल्तान होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा जादूगर है और वे अपने जादू से जैस्मीन और अलादीन को कैसे भी महल में लेकर आ ही जाता है। वजीर अलादीन से कहता है कि मैं जो हासिल करना चाहता था वह मैंने हासिल कर लिया है और तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अलादीन कहता है कि तुम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली नहीं हो, तुम हमेशा सेकंड ही रहोगे, पहले नंबर पर तो जिन है। और यहाँ पर अलादीन उस वजीर को बार बार कर और जानबूझकर ये सब कुछ कहता है। ये सुनकर वजीर जिन को कहता है कि वह उसे दुनिया में सबसे पावरफुल बना दे, ये वजीर की आखिरी इच्छा होती है, इसीलिए फिर जिन को मानना ही पड़ता है। जैसे ही वजीर इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनता है तो वे खुद ही चिराग के अंदर चला जाता है। दोस्तों दरअसल ये एक तरह का श्राप होता है जो उसे खुद ही लग जाता है। जिन चिराग को लेता है और उसे दूर केव में फेंक देता है। जिन अलादीन से कहता है कि तुम सही थे, तुम्हें एक राजकुमार एक योद्धा होना चाहिए था। अलादीन की अभी भी एक इच्छा बाकी होती है। जिन कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, और इस बार अलादीन अपने लिए नहीं बल्कि जिन के लिए मांगता है और वे जिन को आजाद करा देता है। जिन अब एक आम आदमी बन जाता है। वे डालिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डालिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे कहती है कि उसे दो बच्चे चाहिए। जैस्मीन का पिता अपनी रिंग निकाल कर जैस्मीन को देता है और अब जैस्मीन यहीं पर नई सुल्ताना है। अलादीन और जैस्मीन की शादी हो जाती है और इस मूवी की कहानी वहीं पर आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। मतलब कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जिन होता है, जो कि अब एक आम आदमी है और वो अब अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। और दोस्तों इस तरह से अलादीन मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।